हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके बच्चे बाहर का स्नैक्स खाने के लिए जिद करते हैं? हम उनको देना नहीं चाहते। बाहर के स्नैक्स पता नहीं कैसे तेल में बनाया जाता है। तली हुई चीज़ें घर पे बनाएंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अच्छे तेल यूज़ करके बनाते हैं। बाहर पता नहीं कितने दिनों तक वही तेल यूज़ करते हैं। मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, बाहर की चीज़ें खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिद करते हैं, तो मैं उनको झटपट से रेसिपी बना के देती हूँ तो खा के चुप हो जाते हैं। आज मैं बनाऊंगी चावल के कुरकुरे, तो चलिए बनाते हैं मेरे किचन में चावल के कुरकुरे। कुरकुरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चावल का आटा। एक कप चावल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप भुना हुआ चना, इसे हम पुठाने भी कहते हैं। 1/2 कप लिया मैंने। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एकदम पाउडर बना लूँगी। आप देख सकते हो मैंने एकदम पाउडर बना लिया है। अब मैं इसे इसमें डाल दूंगी चावल के आटे में। आप कहेंगे चकली बना रही है, मैं चकली नहीं बना रही हूँ, कुरकुरे बना रही हूँ। चकली का बैटर अलग होता है और ये कुरकुरे के बैटर मैं अलग बना रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अगर आपके बच्चे तीखा ज़्यादा खाते हो तो आप मेथी ज़्यादा डाल दीजिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। इस कुरकुरे को सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 छोटे चम्मच तेल के। इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और 1 मुट्ठी जितना बारीक कटा हुआ पुदीना। पुदीना और धनिया जरूर डालना है, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच तिल के, भुने हुए तिल लिया मैंने। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हल्का सा खटास लाने के लिए मैं यहाँ पे डाल दूंगी 2 चम्मच दही के। दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इस कुरकुरे को शाम के स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे की तरह हमें गूंद लेना है। ये देखिए मैंने अच्छे से गूंद लिया है। इस पर फिर से एक बार 1 चम्मच तेल डालकर अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। इस डो को थोड़ी देर तक हमें ढककर रख देना है, 10 मिनट तक। उसके बाद हम कुरकुरे बना लेंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने लिया है चकली मेकर। ये देखिए चकली मेकर हर घर में होता ही है, अगर आपके पास नहीं होता आपको मार्केट में 250 से 300 तक मिल जाएगा। बहुत ही काम की चीज़ है ये। इसके साथ मुझे 6 सांचे मिले थे अलग अलग शेप के। मैं कुरकुरे के लिए ये 3 होल वाले सांचा ले लूँगी, इसी से मैं बनाऊँगी कुरकुरे। इसमें फिट करके हम नीचे से ऐसा लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें आटा भर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। एकदम सॉफ्ट हो चुका है आटा। ये देखिए हमें ऐसे दबाकर आटा भर लेना है। मैंने आटा भर लिया है, इस पर ये सांचा लगा देंगे। इसके ऊपर हमें ऐसे फिट कर लेना है। ये देखिए ऐसे फिट कर लेना है। मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। ऊपर से ऐसे घुमाएंगे ना तो नीचे से आटा गिरने लगेगा। ये देखिए बहुत ही आसान है। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम धीरे से इसमें छोड़ देंगे। हमें सिर्फ ऊपर से घुमाते जाना है, अपने आप गिरने लगेंगे कुरकुरे। धीमी आंच पर हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है।
अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अब निकाल लूंगी मैं। ऐसे मैं सारे बना लूंगी। ये देखिए मैंने सारे तल लिया है, मैं उसी तेल में थोड़े से कड़ी पत्ता तल लिया है, इससे अच्छा लगेगा दिखने में बच्चों को। एकदम क्रंची बने हैं, आप देख सकते हैं, एकदम टेस्ट ज़बरदस्त है। अब सर्व करेंगे, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों को आपको बहुत पसंद आएगा। और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखा कीजिए, मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं इसलिए मैं बहुत सैड हूँ। आप सब्सक्राइब कर देते हो, दोबारा मेरे वीडियोज़ नहीं देखते हो, तो इसलिए मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।